डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। वो कहते हैं जी सेकेंड लॉ से तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसी को थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन करके बताओ। तो थर्ड लॉ से क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट से करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है एक काम करते हैं, आप एक एग्जाम्पल लो। क्या एग्जाम्पल लो, दो बॉल्स हैं एक एम वन एक एम टू मूविंग विद वेलोसिटी यू वन एंड यू टू, इनकी आपस में टक्कर होती है, और जब टक्कर होती है तो एम वन एम टू को फोर्स लगा रहा है, तो एम टू एम वन पर फोर्स लगा रहा है। कितनी फोर्स लग रही है, वन का मतलब ए बॉडी है, ए पे फोर्स लग रही है, किसने लगाई, बी ने लगाई, और यहाँ पर बी के ऊपर फोर्स लग रही है, किसने लगाई, ए ने लगाई। तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और टक्कर के बाद सेपरेशन के बाद इनकी वेलोसिटी वी वन वी टू हो जाती है। ठीक है यहाँ तक आगे, तो इसके अंदर एफ ए बी का को लिखने का तरीका है। एफ ए बी वैक्टर क्या है, फोर्स जो ए पे लगी बी ने लगाई, एफ बी ए का मतलब बी के ऊपर फोर्स लगी जो ए ने लगाई। पर क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो साइन क्या लग गया, नेगेटिव थर्ड लॉ से। तो जब ये इनकी टक्कर हुई तो कुछ टाइम के लिए टक्कर हुई, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, मान लो वो टाइम है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो ये देखो इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये ए बॉडी का इम्पल्स है, अब ए बॉडी कौन सी है, पहली बॉडी है, पहली बॉडी का इम्पल्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम वन वी वन वैक्टर माइनस एम वन यू वन वैक्टर। और बी बॉडी का इम्पल्स क्या होगा, एम टू वी टू वैक्टर माइनस एम टू यू टू वैक्टर, फाइनल मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ एम टू, और यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ एम वन। तो यही तो किया, ये देखो ए बॉडी है, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स ऑफ ए बॉडी है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ओनली। और यहाँ पर बी बॉडी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल बी बॉडी के लिए, माइनस साइन से ओपन कर दिया, ओपन कर दिया इसे। यहाँ पर एम वन वाली टर्म्स को या वी फाइनल वी वन और वी टू वाली टर्म को एक तरफ, यू वाली टर्म को एक तरफ। तो चेक करो ये टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और ये फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताता है कि टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो प्रूफ क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, एक्शन रिएक्शन करना है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन मोमेंटम अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक।